निर्भया दोषियों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर के वकील एपी सिंह के जरिए। एपी सिंह जहां तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि प्रशासन ने अभी तक दोषी पवन और अक्षय के दस्तावेज उन्हें मुहैया नहीं कराए। तो जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आती चली जा रही है वैसे वैसे ही ये मामला पेचीदा होता चला जा रहा है, क्योंकि कानूनी दाव पेच में फंसा ये मामला जो कहीं ना कहीं आरोपियों को कई तरह के हथकंडे यहां पर अपनाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में अब पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर के वकील एपी ने तिहाड़ जेल के प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि अभी तक दोषी पवन और अक्षय के दस्तावेज जो हैं वो उन्हें मुहैया नहीं कराए हैं। और इसी को लेकर निर्भया दोषी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। और अमित दुबे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अमित, हालांकि कहा जा रहा था कि याचिका भी शायद दया याचिका भी यहां पर दाखिल की जा सकती है और ऐसे में शायद जो तारीख अभी फिलहाल 1 फरवरी की तय की गई है वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक ये याचिका जिसमें दस्तावेज मुहैया न कराने का आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इतिहास प्रशासन पे आरोप लगाया गया है कि किस हद तक दस्तावेज मुहैया नहीं हो पाए। और दूसरी बड़ी चीज है, कहीं लगातार जो है दोषियों के द्वारा इस केस को, यानी जो सजा 1 फरवरी को हुई है फांसी की, उसे टालने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि धीरे धीरे करके सिक्योरिटी पिटीशन बात करें या दया याचिका बात करें, एक एक करके मूव हो रहे हैं, जबकि लगातार जो है निर्भया के वकील इस बात को इसके लिए प्रयासरत है। जिस तरह से खुद सीजेआई का भी बयान आया है कार्यक्रम में कि निर्भया के माँ बाप खुद प्रयासरत है कि इन जो भी दोषी है इन सबका एक साथ में ही क्योरिटी पिटीशन और मर्सी पिटीशन हो जाए, जिससे कि 1 फरवरी को फांसी हो सके। लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं, 1 फरवरी को फांसी होना मुश्किल है, क्योंकि जब क्योंकि पिटीशन खारिज हो जाएगी उसके बाद भी इन लोगों के लिए 14 दिन का वक्त होता है, यानी 14 दिन का वक्त दिया जाता है। तो इस तरह से लगातार जो है वो दोषियों के वकील मामले को टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।